भारतीय रेलवे राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए नवंबर में एक विशेष ट्रेन रवाना करेगी। इसे रामायण एक्सप्रेस ऐसा नाम दिया गया है, जो तीर्थ यात्री राम सीता से संबंधित श्रीलंका में मौजूद धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं, उनके लिए रेलवे कोलंबो की फ्लाइट भी बुक करवाएगा। ट्रेन 14 नवंबर को रवाना होगी। दोनों देशों की यह यात्रा 16 दिन की होगी। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। रेलवे ने मंगलवार को बताया, रामायण एक्सप्रेस 800 सीटर ट्रेन है। पहले चरण में ये ट्रेन अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामंडी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम की यात्रा कराएगी। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 15,120 रुपये रखा गया है। इसमें खाना, धर्मशाला, पर्यटन स्थलों की सैर और टूर मैनेजर की व्यवस्था शामिल होगी। श्रीलंका जाने वाले यात्रियों के लिए चेन्नई से कोलंबो तक फ्लाइट होगी। उन यात्रियों से 36,970 रुपये अलग से लिए जाएंगे। श्रीलंका में यात्रियों के लिए 5 रात और 6 दिन ठहरने का इंतजाम होगा। उन्हें वहाँ कैंडी, नुवारा एलिया और नोगोम्बो स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर जल्द ही बुकिंग शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BGB TV हिंदी।